मुरली का कहा है? कल को खड़ा होके कह देगा कि भैया अब हमारा काम आपसे पूरा हो गया है, हमने पूरी तरह निचोड़ लिया आपको, तो कल से फैक्ट्री में मत आना। बस फिर तो हो गया ना। अरे ऐसे दिन आने से पहले अगर हम अपना कुछ इंतजाम कर ले तो ये बात गलत कहलाएगी का? जी मृदंग भैया को काम आपके साथ करना है, तो मुरली जी माँ बाबू जी की बात पे उन्हें तसल्ली नहीं होगी, इसलिए हमें लगता है कि जो कुछ भी है आपको बैठ के उनके साथ सुलझाना चाहिए। ये लीजिए भारती जी, हमारी मीठी मीठी पत्नी के लिए स्पेशल गर्मा गर्म इलायची वाला दूध, ब्रांडेड है हाँ, मुरली लाल इलायची मिल्क हमने अपने हाथों से बनाया, बाकी सारे दूध फेल। और ये चाय? ये चाय आपके इस गरीब पति के लिए, पूरी रात बैठ के अभी फाइलें पढ़नी है, बहुत सारा काम है, सोचा कि चाय पी के थोड़ी नींद भगाएंगे। लेकिन आप हमसे कह देते हम बना देते। मुरली जी अब तक आपका आधा काम हो गया होता। आधा काम तो हो गया होता भारती जी, लेकिन आपके लिए अपनी प्यारी सी पत्नी के लिए कुछ करने का मौका कहाँ मिलता है, हमें टाइम ही नहीं मिलता, और हमने सोचा कि पूरे दिन आप भाई साहब में लगी रहती हैं, और दूसरी बात किचन से फुर्सत मिलती नहीं आपको, तो हमने सोचा एक ग्लास गर्मा गर्म इलायची वाला दूध बना के पकड़ा दें ग्लास आपके हाथ में, और आप बैठ के आराम से पिए रात। चलिए जल्दी खत्म करिए, ठीक है? चलो चलो जल्दी खत्म करो। लगता है कारखाने का काम बहुत बढ़ गया है आजकल। हाँ भारती, ऊपर वाले की कृपा से काम बहुत बढ़ गया, अब कोई छोटी मोटी कंपनी रही नहीं हमारी, भारती स्वीट्स को पूरे हिंदुस्तान में लोग पेठों के मामले में सबसे अव्वल दर्जा देने लगे, और तो और विदेशों के खरीदार भी जानने लगे हमें, बहुत काम है और देखना आगे भी और बढ़ने वाला है काम। मुरली जी बिजनेस आप तीनों मिलकर चला रहे हैं, उसमें हमारा कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन अगर बात घर तक आ रही है तो कुछ समझे नहीं बात, ये बात क्या है? अब मुरली जी आजकल ऑफिस में जो हो रहा है उससे शायद मृदंग भैया खुश नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? हाँ, क्योंकि काफी दिन से मृदंग भैया बहुत परेशान लग रहे हैं, और आज जब हम उनके कमरे में गए चाय के लिए बुलाने तो माँ बाबू जी भी वहीं थे, वो उन्हें कुछ समझा रहे थे। मुरली जी मृदंग भैया को काम आपके साथ करना है, तो मुरली जी माँ बाबू जी की बात पे उन्हें तसल्ली नहीं होगी, इसलिए हमें लगता है कि ऑफिस में जो भी है जो कुछ भी है आपको बैठ के उनके साथ सुलझाना चाहिए। शायद तुम सही कह रही हो भारती, कल सुबह ही बात करके देखते हैं एक बार उनसे। जी सुरेश है हमारी कंपनी के प्रोडक्शन यूनिट और सेल्स डिपार्टमेंट के नए असिस्टेंट मैनेजर। अब आप हमें ये बताइए कि आखिर वो कौन सी बात है जिससे आपको इतनी चिड़चिड़ाहट हो रही है? हिसाब किताब में गड़बड़, पन्ने खो जाना, या उस नए आदमी का आना? कारखाने का असली मालिक है मुरली, आप
आपने जरा भी इधर या उधर की पटाख से उंगली उठाएगा आप पर? क्या बात है भैया, तैयार नहीं हुए अब तक? क्या बात है, ऑफिस नहीं जाना? हमें तैयार होना है मुरली जी, जो हुकुम मेरे आका। अब ही लो, जैसी आपकी मर्जी मुरली जी, हो जाते हैं। भाई आज तक गधा मजदूरी करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, उसमें का है? मुरली, ये कारोबार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है मुरली। हम तो वहाँ नौकरी करते हैं, और अब तो ये भी समझा जा रहा है कि